क्यों? मैंने 10 रोज पहले ये कहा था कि बजरानी जो है वो जीत जाएंगे, और जब मैंने ये 3 मर्तबा कहा तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। ये वो लोग हैं जो आज एक्सपोज हो गए हैं, ये वो पार्टियां हैं जो अपनी बाप बचाओ तहरीक और लुटा हुआ माल जो है बाहर ही रखने की तहरीक में इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले थे। इमरान खान का इस्तीफा तो क्या मिलता, उन्हें बजरानी का आदम एतमाद नहीं मिला। अब भी इनके लिए वक्त है, ये समझे पाकिस्तान जिंदगी के नाजक तरीन मरहले से गुजर रहा है। मईशत जो है उसका सारा असर जो है पाकिस्तान की सियासत पे पड़ रहा है। ऐसे आलम में अगर अपोजिशन ने अकल के नाखन नहीं लिए तो मैं आज ये उनको बता देना चाहता हूं कि उनकी सियासत जिंदा दफन हो जाएगी। और ये बिकने बकने और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला ग्रुप और कमीशन लूट मार करने वाला ग्रुप अगर अपनी सियासी जिंदगी में कोई भी अब गलती करेगा तो उसकी गुंजाइश नहीं है। और खास तौर पर मैं मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हजरत मदरसे दीन के मीनार हैं, हजरत साहब हम आशिक़े रसूल हैं, काला काला रसूलल्लाह का आलम बुलंद रखेंगे। आप मदरसों को गलत बात मत कहें, जब तक शेख रशीद जिंदा है और इस हकूमत में है कोई शख्स नामूसे रसालत पर आंच नहीं आ सकती, और कोई शख्स इस मुल्क में 1972 के आइन में तरमीम नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेगा। मैं कोटरी बिराज के दौरे पर जाते हुए ट्रेन के अंदर से कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ।